श्रीमंत 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 छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। सह्याद्री के घाटियों में स्थित 6.5 किलोमीटर का एक अनोखा सफर, जिसको तय करने में लग जाते हैं 3 से लेकर 4 घंटे। आओ तो चलते हैं महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे शिखर पर, जिसे माउंट एवरेस्ट ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। ये है द कलसुबाई नाइट ट्रैक। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनक्लट स्प्रिट्स। याद है बचपन में जब हम ज्योग्राफी की किताबों में महाराष्ट्र के हाईएस्ट पीक के बारे में पढ़ते थे? लिटिल डिड आई नो इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स बैक देन कि एक दिन मैं खुद उस चोटी पर पहुंचूंगी और उसे कॉन्कर करूंगी। तो एक बार फिर पुणे से हम निकल पड़े थे ट्रैक एंड ट्रेल्स के साथ कलसुबाई के इस सफर पुणे से बारी तक का सफर है 4.5 घंटे का। हम 9 बजे पुणे से निकले थे और तकरीबन 3:30 बजे बेस विलेज पहुंचे। सामान रखने के बाद हमारा इंट्रो हुआ। सी लेवल से 1646 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, इसीलिए इसको हाईएस्ट पीक बोलते हैं। एक और नहीं है, पीक है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। इंदरी एक विलेज है, उसके गांव का एक लड़का था मेरे एज का, तो वो ग्लेशियर एंड ऊपर जाता था, तो ऊपर जाने का उसकी किसी लड़की की आवाज़ आती थी, उसे ना दिखाई देती थी उसे ना दिखाई देती थी, बस आवाज़ आती थी और वो पूछती थी मैं आऊँ क्या। उसने फर्स्ट टाइम इग्नोर किया, सेकंड टाइम इग्नोर किया वो आवाज़ को, थर्ड टाइम उसने फैमिली साथ कंसल्ट किया कि ऐसा ऐसा है तो मैं क्या करूँ। तो फैमिली ने उसको सजेस्ट किया कि तू बुला ले, मतलब अगर किसी ने पूछा कि आओ क्या तो बुला ले। तो वापस ऊपर गया तो वापस वो लड़की की आवाज़ आई, तो उसने वो टाइम बुला लिया। तो छोटी सी लड़की थी, 5-6 साल की, तो वो देवी के रूप में बाहर आई। तो आते आते मतलब उसने पूछा कि मैं आपके घर पर रह सकती हूँ वगैरह, तो उसने हाँ बोला। आते आते उसने एक शर्त रखी, मैं आपके घर पे रहूँगी पर कोई झूठे काम नहीं करूँगी, बर्तन नहीं बाजूँगी, कपड़े नहीं धोऊँगी, ऐसा ऐसा। तो फिर कुछ साल बीत गए तो वो सेम रीज़न से ऊपर गया था पीक पे बेस चलाने के लिए। तो उसी टाइम कोइंसिडेंटली उसको देखने के लिए कोई आया था शादी के लिए, तो लड़की के पिताजी ने उसको बोला कि झूठे बर्तन उठा, तो वो उसने मना कर दिया। वो गांव में अच्छे से रहती थी बट वो काम नहीं करती थी, उसने मना किया। सेकंड टाइम दादाजी ने आवाज़ ऊँची आवाज़ में उसको बोला कि बर्तन उठा, तो उसने बर्तन उठाए, फेंक दिया और ऊपर भाग गई और वापस मिली नहीं। तो ये स्टोरी है। तो बीच बीच में आपको बहुत मंदिर दिखेंगे कलसुबाई के, तो ऐसा बोला जाता है कि वो जहाँ जहाँ पर रुकी थी वहाँ पर लोगों ने मंदिर बनाया। तो उसको जिसने बोला कि उन्होंने बोला जो 15 मिनट बाद फर्स्ट स्टॉप है तो वहाँ पर भी एक मंदिर है, वो सेकंड मंदिर इंदौरी गांव इंदौरी साइड से एक है, और थर्ड मंदिर पीक पे जो ऑब्वियस दैट्स इट। सुबह के 4 बज रहे हैं, हम लोगों ने कल सुबह के लिए चेकिंग स्टार्ट कर दिया है। अंधेरा ही है, टॉर्च की लाइट में चल रहा है, काफी ठंड है, हवा चल रही है। हमारे साथ एक ट्रेजेडी भी हो गई। वो तो लिया ही नहीं हमने वीडियो क्या लेना, मतलब बॉटल खुला रह गया, हमारे सारे स्पेयर वाले जो कपड़े थे जैकेट से सारे गीले हो गए। कलसुबाई का नाइट ट्रैक एक अनोखा एडवेंचर है, और इसी ट्रैक का हमारा फर्स्ट चेक पॉइंट था ये एंट्रेंस गेट। इसके आगे के सफर में हमें कठिन रास्ते, मुश्किल चढ़ाव और तारों की चमक में शानदार नज़ारे मिलने वाले थे। इस ट्रैक में आपकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन का काफ़ी टाइम टेस्ट होता है। उसमें से एक टेस्ट होता है जब आपको ये लोहे की सीढ़ियाँ पार करनी पड़ती हैं, और आपके पास बस एक फ्लैशलाइट की रोशनी है जिसमें आपको ये लोहे की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। वैसे तो देखने में ये काफ़ी आसान लगता है, पर आप जिस हाइट पर हो और जितनी ऊपर से हवा और ठंड आती है उसमें ये सीढ़ियाँ चढ़ना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है।
रात के अंधेरे में सब एक दूसरे की मदद करते हैं और आगे बढ़ते हैं चोटी तक पहुंचने के लिए। अभी भी शिखर काफ़ी दूर था और काफ़ी डिस्टेंस कवर करना बाकी था। जैसे ही आसमान का कलर ऑरेंज होने लगा, वैसे ही हम में और जुनून और जज्बा बढ़ने लगा कि हमें जाना है, हमें शिखर तक पहुंचना है, बिकॉज वी कैन नॉट मिस द सनराइज आफ्टर टेकिंग सो मच एफर्ट्स। ये वो पॉइंट था जहाँ पे काफ़ी लोगों के मन में आया कि गिव अप कर दे, क्योंकि पीक काफ़ी ऊपर था और समय निकलते जा रहा था। इट वॉज़ गेटिंग वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि हवा बढ़ती जा रही थी, ठंड बढ़ती जा रही थी और चलना और भी मुश्किल होते जा रहा था। कठिनाइयों का सामना करते हुए, खुद को पुश करते हुए, मैं फाइनली पीक पे पहुंची एंड व्हाट आई सॉ अप देयर वाज दिस। मैंने महाराष्ट्र के टॉप पे जाके जो महसूस किया, जो फील किया, वो मैं शायद शब्दों में कभी बयान नहीं कर पाऊंगी। द एक्सपीरियंस वॉज सो एनरिचिंग दैट इट विल ऑलवेज हैव अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट। टॉप पे पहुंच चुके हैं और हम अभी टेंपल के पास छुपे हुए हैं क्योंकि बहुत ठंडी है। और फ्लैग उड़ते हुए कितना फास्ट, और बहुत ज़्यादा फॉग है, बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत तेज हवा चल रही है। अभी तो सनराइज जस्ट स्टार्ट हुआ है तो अभी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ने में काफ़ी एक दो घंटे तो लगेंगे। हम प्लान कर रहे हैं नीचे जाने का, नीचे जाके उधर रेस्टोरेंट है उधर बैठेंगे। आप मानो या ना मानो, पर जब आप कलसुबाई के शिखर पे खड़े होते हैं तो आपको लगता है जैसे आप ऊपर से दुनिया को देख रहे हो, और जब वो सारी दुनिया बादलों से लिपटी हुई है तब सच में लगता है कि एक अलग ही दुनिया है, जैसे मानो स्वर्ग का एक छोटी सी झलक आपको मिल गई हो। बादलों के बीच से जब सूरज निकलता है तब दिल में एक अलग ही उत्साह और प्रकाश भर जाता है। ऐसा लगता है कि लेट्स जस्ट एम्ब्रेस दिस पॉजिटिविटी अराउंड अस एंड लेट्स चेरिश एवरी मोमेंट, लेट्स स्प्रेड लव एंड लाइट वेर एवर वी गो। फिर पीक से थोड़ा नीचे उतरकर हमने ब्रेकफास्ट किया जो ट्रैक एंड ट्रेल्स ने ही हमारे लिए ऑर्गेनाइज कर रखा था। ये हमारा पूरा पैकेज 1400 पर पर्सन था। आस्ते कदम महाराज गणपति गजपति भूपति जड़पति प्रजापति स्वर्ण रत्न श्रीपति अष्टवदान जागृत अष्ट प्रधान वेष्टित न्यायालंकार मंडित शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत राजनिधि धुरंधर प्रौढ़ प्रताप पुरंदर क्षत्रिय कुलावतंस सिंहासनाधीश्वर महाराजाधिराज श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की जय।
छत्रपति राजा राम महाराज की जय। ओम नमो पार्वती पते हरे हरे। छत्रपति शिवाजी महाराज के जय घोष से हमारे अंदर एक अलग ही मजबूती और हिम्मत आई। इसी हिम्मत के साथ हम निकल पड़े थे कलसुबाई उतरने के लिए। जितना मुश्किल कलसुबाई चढ़ना था उतना ही मुश्किल इसे उतरना भी है। कलसुबाई की खूबसूरती सिर्फ शिखर तक नहीं है बल्कि पूरी यात्रा में भी है, ऊंचाई से लेके नीचे तक और हर मोड़ पर। कलसुबाई का ये ट्रैक सच में वॉज फिल्ड विद लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन। सुबह के 3 बजे की ठंडी से लेकर दोपहर के 12 बजे के गर्मी तक हमने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, और ये जाना कि ट्रायम्फिंग ओवर चैलेंजेस इज़न्ट अबाउट रीचिंग द समिट, इट इज़ अबाउट द स्ट्रेंथ रिजाइलेंस एंड ग्रोथ वी डिस्कवर अलॉन्ग द जर्नी। इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अनक्लट्स प्रिंट्स।